एक जमाने में जूते चप्पल टूटने पर लोग मोचों के पास जाकर मरम्मत करवाया करते थे, लेकिन अब बदलते समय में कोई इनकी सुन नहीं ले रहा। इनके परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि लोग अब जूते चप्पल टूटने पर उसकी मरम्मत न कराकर नया खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि लोगों के रोजगार के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, सरकार द्वारा इन लोगों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं ऐसे मुद्दों से जिन्होंने इस काम को अपना आदर्श मानते हुए दस्तकें गुजार दी और स्वाभिमान से अपने बच्चों को भी ये काम सिखाया और उन्हें स्वावलंबी बनाया। जालौर से राहुल कुमार, उत्तर प्रदेश। आपका नाम? फूल सिंह। अच्छा, ये जूते चप्पल की मरम्मत का काम आप कितने सालों से कर रहे हैं? 50 साल हो गई। अच्छा, पहले के ज़माने में जब लोग छोटी छोटी चप्पल जो टूट जाता था तो जुड़वाने चले आते थे, और आज के ज़माने में लोग नए पहनना पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तन तो है। परिवर्तन ऐसा नहीं है, हमने जो है 2 रुपए में 2 पैसे में चप्पल जोड़ी जी, आज वही चप्पल 10 रुपए में जोड़ा था। अच्छा, ये दुकानें जो बनी है हमने 1 रुपया रोज पे नहीं ली, धर्मशाला की जी, हम क्या कहते हैं हाय 30 रुपया महीना जी, 30 रुपया महीना खुद है बाबीरा बारहाना 1 रुपया पैदा कर पाते। अच्छा, वो दौर जब आपने शुरुआत में किया था उस समय का दौर अच्छा था या आज का दौर अच्छा है? आज का दौर अच्छा है। आज का दौर बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, एक और सरकार भी जो है कुछ मदद कर रही है, कामगारों की मदद कर रही है। हम कह रहे हमारे मोहल्ले में बिल्डिंगें ठुकवा दी, बिल्डिंगें मोदी ने। नहीं, मैं उस बिल्डिंग की बात नहीं कर